कल लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए होंगे मतदान। 13 राज्यों की 88 सीटों पर होगी वोटिंग। मतदान की तैयारियां की जा रही हैं। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में कल यानी कि 26 अप्रैल को गौतम बुद्ध नगर में होंगे मतदान। प्रशासन मतदान की तैयारी में जुटा। सूत्रों के हवाले से खबर, अमेठी से चुनाव लड़ सकते हैं राहुल। रायबरेली से प्रियंका गांधी के चुनाव लड़ने की चर्चा। औपचारिक ऐलान का इंतजार। राहुल के अमेठी से चुनाव लड़ने पर बोले गिरिराज सिंह, कहा कि राहुल की बात तो कोई सीरियस नहीं लेता। राहुल ना इधर के रहेंगे ना उधर के। एनसीपी शरद पवार ने जारी किया घोषणा पत्र। कृषि, शिक्षा, बेरोजगारी और आरक्षण पर फोकस। गरीब महिला को सालाना 1 लाख देने का वादा। शरद पवार ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा कि सांप्रदायिक एकता को तोड़ने की कोशिश में है बीजेपी। इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पर देश में फैला रहे भ्रष्टाचार। आप नेता संजय सिंह ने बीजेपी पर बोला हमला, कहा कि 2024 के बाद इस देश में चुनाव नहीं होगा। सूरत इसका उदाहरण। देश से आरक्षण खत्म करना चाहती है बीजेपी। पीएम मोदी आज मध्य प्रदेश के मुरैना से करेंगे चुनाव प्रचार का आगाज। दोपहर में यूपी के आगरा, बरेली के आंवला और शाम में शाहजहांपुर में करेंगे जनसभा। आज प्रधानमंत्री मोदी की आगरा जनसभा में शामिल होंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। इसके बाद मैनपुरी लोकसभा क्षेत्र के जसवंत नगर में करेंगे जनसभा। आज तेलंगाना और ओडिशा के चुनावी दौरे पर रहेंगे अमित शाह। दोपहर में तेलंगाना के सिद्दीपेट और शाम को 4 बजे ओडिशा के सोनेपुर में प्रचार करेंगे। आज उत्तर प्रदेश में प्रचार करेंगे केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। सुबह 11:30 बजे लखीमपुर खीरी और दोपहर में इटावा में लोगों को करेंगे संबोधित। आज वाराणसी से चुनावी अभियान का आगाज करेगा ओवैसी का पीडीएम मोर्चा। पल्लवी पटेल के साथ असदुद्दीन ओवैसी भी करेंगे प्रचार। कन्नौज में समाजवादी पार्टी ने खत्म किया सस्पेंस। अखिलेश यादव ही कन्नौज सीट से लड़ेंगे चुनाव। आज नामांकन दाखिल करेंगे अखिलेश। एसपी प्रमुख अखिलेश यादव को टक्कर देंगे बीजेपी के उम्मीदवार सुब्रत पाठक। आज सुब्रत पाठक भी चुनाव के लिए करेंगे नामांकन। कन्नौज से बीजेपी प्रत्याशी सुब्रत पाठक का बयान, कन्नौज में चुनाव में भारत बनाम पाकिस्तान मैच की तरह दिलचस्प रहेगा चुनाव। यूपी की लखीमपुर सीट से फिर एक बार चुनावी ताल ठोक रहे केंद्रीय मंत्री अजय मिश्र टेनी। आज अपने समर्थकों के साथ नामांकन करेंगे। सैम पित्रोदा के बयान पर सीएम योगी ने कांग्रेस पर हमला बोला, कहा कि जनता की संपत्ति पर कांग्रेस की नजर, घुसपैठियों को संपत्ति बांटना चाहती है कांग्रेस। सूत्रों के हवाले से खबर, फेमस यूट्यूबर मनीष कश्यप बीजेपी में शामिल होंगे। दिल्ली पार्टी मुख्यालय पहुंचकर बीजेपी में शामिल होने की चर्चा। तेजस्वी यादव का पीएम मोदी से सवाल, संविधान और लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं पीएम। दलितों से आरक्षण और युवाओं से क्यों छीनी जा रही है नौकरी। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का मेट्रो स्टेशन के बाहर बीजेपी के खिलाफ प्रदर्शन। कार्यकर्ताओं का बयान, कहा कि देश में तानाशाही हावी, जनता वोट से देगी जवाब। कांग्रेस ने हैदराबाद से ओवैसी के खिलाफ उतारा उम्मीदवार। पार्टी ने मोहम्मद वली उल्लाह समीर को हैदराबाद से अपना प्रत्याशी बनाया। एमपी के बैतूल में पीएम मोदी ने इंडिया गठबंधन पर हमला बोला, कहा कि इन्होंने वन ईयर वन पीएम का फॉर्मूला बनाया। महाराष्ट्र के अमरावती में अमित शाह ने कहा अफवाह फैला रही है कांग्रेस, बीजेपी आरक्षण खत्म नहीं करेगी, ये मोदी जी की गारंटी। बिहार के मधुबनी में जेपी नड्डा ने इंडिया गठबंधन पर हमला बोला, कहा कि परिवारवादियों और भ्रष्टाचारियों का अलायंस। वायनाड में प्रियंका गांधी ने कहा धर्म के आधार पर और डराकर वोट लेने की कोशिश कर रहे हैं प्रधानमंत्री, बेरोजगारी और महंगाई पर चुप रहते हैं मोदी जी। महाराष्ट्र के सोलापुर में राहुल गांधी ने कहा संविधान खत्म करना चाहती है बीजेपी। कहा चुनाव जीती तो संविधान बदल देंगे प्रधानमंत्री। ईडी के हलफनामे पर आम आदमी पार्टी का बयान, ईडी बस झूठ बोलने की मशीन है, बीजेपी के राजनीतिक दल की तरह काम करती है एजेंसी। आम आदमी पार्टी का दावा, ईडी के पास एक भी सबूत नहीं, ये कोई ईडी जांच नहीं बल्कि बीजेपी की जांच। अरविंद केजरीवाल को चुनाव प्रचार से रोकना चाहती है बीजेपी। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने कहा आतिशी और संदीप पाठक को केजरीवाल से मिलने नहीं दिया गया, सिर्फ सौरभ भारद्वाज से कराई मुलाकात। कर्नाटक के बेंगलुरु के पास आयकर विभाग का छापा, कोनान कुंटे ब्लॉक, कांग्रेस अध्यक्ष श्रीधर और पूर्व पार्षद गंगाधर के यहां पर रेड। पटना में जेडीयू नेता सौरभ की गोली मारकर हत्या, नाराज लोगों ने पटना गया रोड को जाम किया, पीड़ित के परिवार से भी मिली मीसा भारती। दिल्ली में इंडिया गेट के पास आइसक्रीम वेंडर की चाकू मारकर हत्या, आरोपियों की पहचान के लिए सीसीटीवी खंगाल रही है पुलिस। मध्य प्रदेश के रीवा में 9 साल की बच्ची की दुष्कर्म के बाद हत्या, घटना से ग्रामीणों में गुस्सा, आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस।
बलिया में युवती ने दूल्हे के ऊपर फेंका ज्वलनशील पदार्थ। दूल्हे के घर वालों ने युवती को पकड़कर पुलिस के हवाले किया। युवक के साथ बताए जा रहे हैं युवती के संपर्क। रणवीर कपूर और आमिर खान समेत कई बड़ी हस्तियों के डीप फेक वीडियो वायरल। मुंबई पुलिस से शिकायत दर्ज कर जांच शुरू। रियल एस्टेट कारोबार से जुड़ी कंपनी तुलसियानी ग्रुप के ठिकानों पर ईडी की छापेमारी। निवेशकों के करोड़ों रुपए हड़पने का आरोप। हुबली में छात्रा की हत्या के मामले में आरोपी फैयाज की सीआईडी कस्टडी। न्यायिक हिरासत में चल रहे आरोपी फैयाज को सीआईडी की कस्टडी में भेजा गया। पंजाब के फाजिलका में हेरोइन की तस्करी से जुड़ा खुलासा। पाकिस्तान से ड्रोन के जरिए मंगवाई गई थी हेरोइन। 3 लोग गिरफ्तार। आरोपियों ने पूछताछ के दौरान खुलासा किया, हेरोइन ड्रॉप करने के बाद वापस पाकिस्तान लौट गया था ड्रोन। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सोशल मीडिया पर धमकी देने का मामला। धमकी देने वाले युवक के खिलाफ दर्ज हुई एफआईआर। मुंबई में झुग्गी बस्ती में सिलेंडर ब्लास्ट के बाद आग लगी। झुग्गी में रखा सामान जलकर खाक। हादसे में 2 लोग घायल। कानपुर में बुद्धा पार्क में लगी भीषण आग। आग लगने से लोगों में अफरा तफरी। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने काफी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। मध्य प्रदेश के धार में विवादित भूतशाला परिसर का एसआई सर्वे 35वें दिन भी जारी। एसआई की टीम ने सर्वे के लिए कोर्ट से समय और मांगा। गर्मी बढ़ने के साथ ही मध्य प्रदेश में पानी की किल्लत। पानी की किल्लत से जूझ रहे हैं किसान। पानी की सप्लाई कम होने से किसानों की मुश्किल बढ़ी। आईपीएल में आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और सनराइजर्स हैदराबाद की टक्कर। शाम को 7:30 बजे से हैदराबाद में होगा मैच।